दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोजी शन क्रीम के बारे में, जो कि इस क्रीम को कैरम सेवा में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले, अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यह कोज शाइन क्रीम, जो कि ग्लोब्स हेल्थ केयर कंपनी की है, और इसकी प्राइस की बात करें तो 1.62 है, जो कि 15 ग्राम पैक में अवेलेबल है। दोस्तों, ये आपको किसी भी केमिस्ट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके ग्रेडिएंट के बारे में। तो यहां ते कोजिक एसिड, आरबूट, नियासनामाइड, ऑक्टिनोक्सिड एंड विटामिन ई। दोस्तों, इस क्रीम को कैश समस में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, यह क्रीम स्किन को ब्राइट बनाता है। नंबर 2, धूप से हमारी स्किन काली पड़ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस क्रीम का प्रयोग की जाती है। नंबर 3, यह स्किन को मॉइस्चराइज करता है। नंबर 4, यह क्रीम स्किन को चमकाता है, गोरा बनाता है, निखार है। नंबर 5, डल स्किन को ब्राइट बनाता है। नंबर 6, मलेरिन प्रोडक्शन कम करता है, जिससे कि हमारी स्किन लाइट दिखती है। नंबर 7, अगर स्किन काली पड़ गई हो तो उसको भी ठीक करता है। तो दोस्तों, इस क्रीम को इन सभी समस्याओं में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें। तो इस क्रीम को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के एज, वेट और कंडीशन को देखकर डोज देते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडल्ट को यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले अपने चेहरे को पानी से वॉश कर ले। वॉश करने के बाद टॉपल से सुखा ले। सुखाने के बाद और इफेक्टिव एरिया पे लगाएं। हल्के हाथों से फिंगर के सहायता से लगाना है, दिन में 1 बार, वो भी नाइट में लगाना है। ठीक दोस्तों, कैसे यूज करना है फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने चेहरे को पानी से धो ले। धोने के बाद सुखा ले। सुखाने के बाद थोड़ा सा जेल ले और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पर लगाएं। उंगलियों के सहायता से लगाना है, हल्के हाथों से, और इसको रात में लगाना है और मॉर्निंग में मॉइस्चराइजिंग सोप यूज कर सकते हैं। तो आप इसी प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं, उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में, अगर आप यूज कर रहे हैं तो यह बातें ध्यान रखें। नंबर 1, कटी छिली स्किन पर प्रयोग ना करें। नंबर 2, अगर आप पहले से कोई स्टेरॉइड क्रीम लगा रहे हैं और आपकी स्किन काली पड़ गई हो तब उस कंडीशन में प्रयोग ना करें इस क्रीम को। नंबर 3, लंबे समय तक प्रयोग ना करें, क्योंकि आपको साइड इफेक्ट दिख सकता है। नंबर 4, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रीम के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया है। अगर बात प्रयोग करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि जलन, इचिंग, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इसका प्रयोग करना बंद कर दे और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो कोजी शाइन क्रीम के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।